जय हिंद, मैं ललित खत्री और आप देख रहे हैं राजस्थान में तेजी से बढ़ता एमटीटीवी इंडिया। और आज बात सचिन पायलट के ताजा बयान की। मंगलवार रात को अभिनेत्री दीपिका पादुकोण जेएनयू पहुंची, जिसके बाद उनकी फिल्म छपाक का विरोध सोशल मीडिया पर खुलकर हो रहा है। मायरा फैशन, स्वामी कॉम्प्लेक्स, अनवेगा मॉल, अजमेर। लेकिन इस विरोध के बीच राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट का एक ताजा बयान आया है। पायलट ने कहा है कि लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए, हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का, अपनी राय रखने का अधिकार होना चाहिए। इसके साथ ही सचिन पायलट ने कहा है कि यह सही नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी राय रखे तो इससे उनका बायकॉट किया जाए। उनकी फिल्म के विरोध को लेकर बयान दिए गए ये सब गलत है, किसी एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ मुहिम चलाना सही नहीं है, यह लोगों पर ही छोड़ दिया जाना चाहिए कि वह कौन सी फिल्म देखे या नहीं। इसके बाद सचिन पायलट ने कहा कि फिल्म में अगर कंटेंट नहीं होगा, कहानी कमज़ोर होगी, तो लोग फिल्म देखने वैसे ही नहीं जाएंगे। लेकिन किसी एक मूवमेंट में फिल्म की अभिनेत्री के जाने के चलते अगर उस फिल्म के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभियान चलाया जाए या पार्टी विशेष के नेता बयान दे, तो यह लोकतांत्रिक देश के लिए सही परंपरा नहीं है। वहीं सचिन पायलट ने यह भी कहा कि इससे उनकी फिल्म को नुकसान के बजाय फायदा होगा। जितना विरोध किया जाएगा फिल्म देखने से, उतने लोग फिल्म देखने के लिए निकलेंगे। क्या सचिन पायलट छपाक फिल्म देखेंगे? इस सवाल के जवाब पर उन्होंने कहा कि आमतौर पर मैं फिल्में कम देखता हूं, लेकिन अब यह फिल्म जरूर देखूंगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो एमटीटीवी इंडिया के पेज को फॉलो करें, और अगर ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वहां सब्सक्राइब करें। वीडियो जर्नलिस्ट राजवीर सिंह के साथ मैं ललित खत्री।